प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट ढूंढ लिया एंड बढ़िया सी ऑप्टिमाइज लिस्टिंग कर दी, एड भी चला दिया और बस अमेज़न बिजनेस सेट। काफी सारे लोगों को ऐसा ही लगता है, स्पेशली बिगनर्स को। और फिर आती है एक बड़ी प्रॉब्लम जिसके बारे में मोस्टली सेलर्स को ना ही पता है और ना ही सुना है, वो है इन्फ्रिंजमेंट। फिर चाहे वो पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट हो या ट्रेडमार्क या फिर कॉपीराइट। मेन बात ये है कि आप अमेज़न पर कुछ भी नहीं बेच सकते, क्योंकि अगर किसी ने आपके अगेंस्ट इन्फ्रिंजमेंट कंप्लेन कर दी तो बेस्ट केस सिनेरियो में आपकी लिस्टिंग ही सस्पेंड होगी, बट वर्स्ट केस सिनेरियो में आपका अमेज़न अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट क्या होता है एंड दिखाऊंगा एक टूल जिसका यूज करके आप पहले से ही पता कर सकते हैं कि जो प्रोडक्ट आप बेचने का सोच रहे हैं वो किसी का पेटेंटेड प्रोडक्ट तो नहीं है। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं अमेजिंग मार्केटर। लेट्स लर्न न्यू टुडे। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज पेटेंट। पेटेंटेड प्रोडक्ट का मतलब है कि उस प्रोडक्ट को सिर्फ वही एंटिटी मैन्युफैक्चर एंड सेल कर सकती है जिसके पास उस प्रोडक्ट के लीगल राइट्स हैं। बाकी कोई भी उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर या बेच नहीं सकता अंटिल और अनलेस उन्होंने पेटेंट ओनर से परमिशन ली हो। अमेज़न दो टाइप के पेटेंट्स कंसीडर करता है, यूटिलिटी पेटेंट एंड डिजाइन पेटेंट। यूटिलिटी पेटेंट का मतलब है कि प्रोडक्ट काम कैसे करता है, उसकी फंक्शनिंग कैसे होती है, व्हेयरएज डिजाइन पेटेंट का मतलब है कि एग्जैक्ट सेम डिजाइन कोई और यूज नहीं कर सकता। अब समझते हैं ट्रेडमार्क क्या होता है। ट्रेडमार्क आपकी हेल्प करता है वर्ड्स, सिंबल्स, फ्रेजेस को प्रोटेक्ट करने में एंड कॉम्पिटिटर से अलग दिखने में। सिंपल वर्ड्स में बात करें तो ये आपका कंपनी नेम एंड लोगो प्रोटेक्ट करता है, एग्जाम्पल एप्पल, टाटा, नाइकी, सैमसंग एक्सेट्रा। अब जल्दी से कॉपीराइट समझ लेते हैं। कॉपीराइट का यूज होता है लिटरेचर एंड आर्ट वर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे म्यूजिक, बुक्स, पेंटिंग्स, फिल्म्स। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि अगर आप किसी और का प्रोडक्ट या प्रोडक्ट इमेजेस या फिर कंटेंट अमेज़न पर यूज करेंगे तो ओनर आपके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकता है एंड आपका अमेज़न बिजनेस शुरू होने से पहले ही बंद हो सकता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए हम एक टूल यूज करेंगे, टूल का नाम है सेलरस्प्राइट। सेलरस्प्राइट टूल ने रिसेंटली एक न्यू फीचर लॉन्च किया है जिसका नाम है अपीयरेंस पेटेंट, जिसमें सर्च करके आप दुनिया के 170 देशों के 18 करोड़ ग्लोबल पेटेंट रिकॉर्ड्स को एक्सेस ले सकते हैं। ये सेलरस्प्राइट फीचर AI इमेज रिकॉग्निशन पर काम करता है एंड आपको कुछ सेकंड्स में ही सारी इंफॉर्मेशन बता देता है। चलिए दिखाता हूं इस फीचर को आप कैसे स्टेप बाय स्टेप यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने सेलरस्प्राइट डैशबोर्ड में लॉग इन ले लेना है। उसके बाद आप टूल्स के सेक्शन पे आएंगे और आप यहाँ पे देख सकते हैं अपीयरेंस पेटेंट नाम से यहाँ पे एक फीचर आ रहा है। आप देखोगे उसके आगे हॉट लिखा हुआ है क्योंकि ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है और काफी लोग इसको यूज कर रहे हैं। हम इस पे क्लिक करेंगे एंड इसके बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ पे अपीयरेंस पेटेंट का टैब हमारा सिलेक्टेड है। तो यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं जिनका यूज करके आप किसी भी प्रोडक्ट के पेटेंट के बारे में इंफॉर्मेशन पता लगा सकते हैं, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको वो बताता हूँ। तो लेट सपोज अगर आपको ये पता है कि मुझे इंडिया में ही वो पेटेंट चेक करना है या किसी पर्टिकुलर कंट्री में वो चेक करना है, तो आप इस ड्रॉप डाउन से ओरिजिन ऑफ पेटेंट से वो कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट सपोज मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ या मल्टीपल कंट्रीज आपको सिलेक्ट करनी है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद आप सर्च बटन पे क्लिक करके जो भी प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड या इंडिया के सिर्फ जो पेटेंट है, आपको जनरली देखना है इंडिया के कितने पेटेंट्स इन्होंने केटर किए हैं, उनके पास रिकॉर्ड्स कितने हैं, तो आप वहां से फिगर आउट कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे जैसे कीवर्ड डाल सकते हैं कि मेरे को हेडफोन के बारे में जानना है, तो आप हेडफोन भी यहाँ पे कीवर्ड डाल सकते हैं। अगर आपके पास क्लासिफिकेशन नंबर है पेटेंट का तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, या किसने पेटेंट फाइल किया है, लेट सपोज सैमसंग ने फाइल किया है या सोनी ने फाइल किया है, तो आप वो नाम भी डाल के यहाँ पे चीजें फिगर आउट कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। इसके अलावा जो मेन इंटरेस्टिंग काम है जो अमेज़न में बहुत ज़्यादा काम आएगा जो कि ईजी है, वो ये है कि लेट सपोज आपके पास किसी प्रोडक्ट का ASIN नंबर है या प्रोडक्ट की URL है, तो आप यहाँ पे मार्केट प्लेस सेलेक्ट कर सकते हैं। वो यूनाइटेड स्टेट पे सेल कर रहे हैं तो इंडिया भी मार्केट प्लेस है, और यहाँ पे आप उसका ASIN या URL पेस्ट कर सकते हैं, और जैसे आप सर्च करेंगे तो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी सिमिलर प्रोडक्ट होंगे या ऑलरेडी पेटेंटेड प्रोडक्ट होंगे वो वहाँ पे लिस्ट आ जाए। ठीक है, इसके अलावा आप चाहें तो इस सेक्शन में जहाँ पे लिखा है ड्रैग और क्लिक टू अपलोड और एन इमेज, यहाँ पे भी आप जो प्रोडक्ट बेचने का सोच रहे हैं या जिसके बारे में आपको पेटेंट के पता करना है वो आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके उस इमेज से रिलेटेड जितने भी पेटेंट्स हैं वो वहाँ पे यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल हम देखेंगे जो कि एक नेक ईयरफोन है। तो जब हमने इसको एज ए एग्जांपल लिया तो आप देखोगे इससे रिलेटेड
जितने भी सिमिलर प्रोडक्ट हैं वो सब आ चुके हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे ये जो पहला प्रोडक्ट है इसका 85.93% मैच है, सेकेंड प्रोडक्ट का 85.12% मैच है, थर्ड का 83.71 है। इवन आप देखोगे ये एक ईयर पीस है, ब्लूटूथ ईयर पीस है, लेकिन डिजाइन सेम होने की वजह से, जो कर्व डिजाइन है वो सेम होने की वजह से ये उसको वहां पे मैचिंग में दिखा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से कभी कभार हमें लगता है कि यार हमारा बड़ा यूनिक प्रोडक्ट है डिजाइन में या यूटिलिटी में, लेकिन देर आर हाईली लाइकली चांसेस कि ऐसे प्रोडक्ट एग्जिस्ट करते हों और जिसकी वजह से अगर आप हो सकता है वैसा पेटेंटेड प्रोडक्ट लॉन्च करें या सिमिलर प्रोडक्ट लॉन्च करें और बाद में आप पे कोई कंप्लेन कर दे और आपका बिजनेस शुरू होने से पहले ही बंद हो जाए। तो ये चीजें हमें पहले से ही ध्यान रखनी है। ठीक है, हम नीचे आएंगे, आप देखोगे यहाँ पे एक चीज और मैं आपको क्लियरली बता दूं कि आप देखोगे यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो जैपनीज या चाइनीज है। ठीक है, आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे इंग्लिश में है, तो बेसिकली यहाँ पे वही लैंग्वेज दिखाई जा रही है उस प्रोडक्ट के साथ जिस लैंग्वेज में वो पेटेंट फाइल हुआ है। ठीक है, तो अब इस केस में अगर आप नीचे तक जाएंगे तो आप देखोगे जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सब यहाँ पे दिए हुए हैं जिस लैंग्वेज में। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फैन के नाम से भी आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको जापानीज लैंग्वेज में दिख रहा है। तो इस तरीके से आप नीचे आएंगे तो आप जितने भी इसको मिले हैं प्रोडक्ट वो सब यहाँ पे डाल दिए। इसी तरह आप देखोगे यहाँ पे अभी ये 50 प्रोडक्ट्स हैं और 100 और है, तो आप नेक्स्ट करके भी देख सकते हैं कि नेक्स्ट 100 प्रोडक्ट्स कौन से हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप फिगर आउट कर सकते हैं कि क्या वो प्रोडक्ट जो आप बेचने की सोच रहे हैं वो सेम है या नहीं। तो मैं वापस जाता हूँ फर्स्ट पेज पे और हम इसमें और देखते हैं कि हमें और क्या डिटेल मिल रही है। ठीक है, तो लेट सपोज ये इलेक्ट्रिक फैन है, तो आप देखोगे एक समरी रिपोर्ट साइड में ही आ जाती है पॉपअप में कि पेटेंटी का नाम है होंगली, एप्लीकेशन डेट है 7 अप्रैल 2023, पब्लिकेशन डेट है 13 अप्रैल 2023। ठीक है, तो आप जब इस प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा जिसपे आपको इस प्रोडक्ट की सभी एंगल से इमेजेस मिल जाएंगे। तो आप देखोगे कि अगर हम बड़ा करेंगे तो आपको इसका फ्रंट व्यू, बैक व्यू, साइड व्यू, अगेन साइड व्यू, टॉप व्यू, बॉटम व्यू, सब स्लैंट व्यू, सब आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे एप्लीकेशन डेट, पब्लिकेशन डेट हमें पता चल गई थी, करंट पेटेंट का एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि क्या है, और उसके बाद इसकी एक्सपायरी कब हो रही है तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो ये 7 अप्रैल 2048 में एक्सपायर हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी प्रोडक्ट का पेटेंट वगैरह देख सकते हैं। इनकेस अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली आप क्लिक ऑन PDF करेंगे और आपके पास वो PDF कुछ ही सेकंड्स में डाउनलोड हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये PDF हमारा डाउनलोड हो चुका है फॉर योर रेफरेंस, कि अगर आप बाद में इसे रेफर करना चाहते हैं या अपने प्रोडक्ट डिजाइन में यूज करना चाहते हैं तो इस तरीके से ये PDF डाउनलोड हो जाएगा। तो वापस चलते हैं एंड किसी और प्रोडक्ट को भी हम एक बार एक्सप्लोर करके देखते हैं। तो लेट सपोज हम इसको देखते हैं, ये आई थिंक जैपनीज या चाइनीज में है, बट स्टिल लेट्स सी यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो आप देखोगे कि एप्लीकेशन डेट है 10/10/2023, पब्लिकेशन डेट है 18 जून 2024 और इसकी एक्सपायरेशन है 10/10/2038। तो इस तरीके से आप इस प्रोडक्ट को भी देखोगे जो कि एक नेक फैन है, तो आप देखोगे इसका भी बॉटम व्यू, स्लाइड व्यू, साइड व्यू, साइड व्यू, साइड व्यू, फ्रंट व्यू और इस तरीके से चीजें आपको मिल जाएंगे। तो सेलर्सप्राइट का ये बहुत ही बेहतरीन टूल है जिसको आप यूज कर सकते हो अगर आपको प्रोडक्ट लॉन्च से पहले ये पता करना है कि क्या ऑलरेडी किसी के पास इस प्रोडक्ट का पेटेंट तो नहीं है, डिजाइन पेटेंट हो या यूटिलिटी पेटेंट हो। तो इस तरीके से आप अपने आपको फ्यूचर में जो बहुत बड़ा आपके लिए दिक्कत क्रिएट कर सकता है किसी की कंप्लेन या कॉपीराइट, तो आप उससे बच सकते हैं। तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं कि जो प्रोडक्ट आप सेल करने का सोच रहे हैं वो पेटेंटेड तो नहीं है। सेलर्सप्राइट टूल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऑल्सो ये टूल आपको बहुत सारे फीचर्स देता है, कुछ फ्री हैं और कुछ पेड हैं। लेकिन अगर आप पेड टूल लेने का सोच रहे हैं तो 35% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड EMMA30। अकाउंट बनाते वक्त EMMA30 कोड को यूज करना ना भूलें। और कोई भी डाउट है तो मुझे कॉमेंट में पूछ सकते हैं या 1-on-1 कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। एंड फाइनली Keep selling, keep smiling.